करेक्ट फॉर्म हम उसके नियमों को रूल्स को देख रहे थे कि किस प्रकार जो वाक्य आए उसके अनुसार हम प्रयोग करते हैं। आज एक और नया नियम देखते हैं। अगर वाक्य में यस्टरडे लास्ट डे लास्ट मंथ एगो द प्रीवियस डे वंस समटाइम्स बैक। अगर वाक्य में यस्टरडे आए, लास्ट डे आए, लास्ट मंथ आ जाए, या वीक आ जाए, या ईयर आ जाए, एगो आ जाए, द प्रीवियस डे आ जाए, वंस आ जाए, सम टाइम बैक आ जाए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही पढ़ा था, बताओ तो उसमें कब लगाते हैं उसको, कब लगाते हैं इसको, ये पहचानना आवश्यक है। यदि वाक्य में यस्टरडे आता है, यानी जो कल बीता हुआ है, बीता हुआ कल यस्टरडे में आता है, इसका मतलब काल कौन सा होगा, ये भूतकाल की बात करेंगे सब में। लास्ट डे, लास्ट डे जो पिछला दिन है वो चला गया भूतकाल में, प्रीवियस डे है यानी पहले का दिन है, वंस आ गया, एगो आ गया, सम टाइम बैक आ गया, इसके साथ भूतकाल है, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लिखा है, ही गो टू अजमेर, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है काल कौन सा है, लेकिन यहाँ लास्ट वीक आने से पता लग गया अपने को कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का वाक्य हो जाएगा। तो इस लास्ट वीक से पहचान लिया भूतकाल है। अब आपको इसमें जाना है वर्ब गो है और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो गो वेंट गॉन होता है, तो अपने को सेकंड फॉर्म लगानी है तो वेंट हो जाएगी, ही वेंट टू अजमेर लास्ट वीक। कठिन नहीं है। वंस दे आर ए किंग, वंस दे आर कोष्टक में दे दिया लिव, एक बार एक राजा था, एक बार एक राजा था, इसका मतलब भूतकाल की बात कर रहे हैं, ये वंस आ गया ना, मीनिंग आ गया, वंस मीनिंग आ गया। देखो ये जैसे यहाँ लास्ट वीक आया था वैसे वंस आ गया, एक बार एक राजा रहता था, वंस देयर लिव्ड ए किंग, लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, लिव्ड हो जाती है, वंस देयर लिव्ड ए किंग। तो बस इसको पहचाना हमने, जैसे लास्ट वीक पहचाना इसलिए इसको पहचाना, और पहचान कर हम वाक्य को कर सकते हैं आराम से, जैसे आई हेल्प यू यस्टरडे
मैं कल तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये येस्टरडे जो है वो बीत गया, वो कल की बात कर रहा है, मतलब कल ये बात कही, ये भूतकाल है इसका मतलब कि कल मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो हेल्प आ रहा है तो हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा दो, हेल्प हो जाएगी। आई हेल्प यू येस्टरडे, मैं कल तुम्हारी मदद करूँगा। इसमें एक वचन आए चाहे बहुवचन आए, अपने को सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, कोई सिंगुलर और प्लुरल का कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है। उसने पिछले साल एक पत्र लिखा, उसने पिछले साल एक पत्र लिखा, तो यहाँ लास्ट ईयर बता रहा है, भूतकाल है, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म तो राइट है, सेकंड फॉर्म लगानी है अपने को, यहाँ तो फर्स्ट है, ये तो अपने को सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट हो जाएगी। ई रॉट ए लेटर लास्ट ईयर, वो अगले साल, उसने अगले साल एक पत्र लिखा, और काल कौन सा चल रहा है, भूतकाल आ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर से पहचान अपने को हो रही है। मोहन प्ले क्रिकेट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी कि ये एगो भूतकाल की इंगित करता है, ये एगो बताता है कि भूतकाल है, इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखो एगो क्रिकेट खेलता था भूतकाल में, एगो बता रहा है भूतकाल है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाती है। तो ये अपने को क्या याद रखना है, यदि वाक्य में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एगो, प्रीवियस डे, वंस, सम टाइम आदि अगर आते हैं तो कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग अपने को करना है, ये बात अपने को याद रखनी है, फिर आप आसानी से वाक्य को क्या कर सकते हो, करेक्ट फॉर्म से हल कर सकते हो।